चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम बेस। आज हम आपके लिए आए हुए इसमें बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन, जो कि ब्रिक से रिलेटेड है। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ इज। तो बताइए, एलुमिना का मेन फंक्शन क्या होता है? एलुमिना का मेन फंक्शन वो प्लास्टिसिटी देता है। तो आपको बता देते हैं कि जो एलुमिना है वो कंपोजिशन है ब्रिक का। तो आप देखिए कंपोजिशन क्या क्या होता है ब्रिक का। ब्रिक का कंपोजिशन है, पहला कंपोजिशन सिलिका होता है, जो 50-60% पाया जाता है ब्रिक में। एलुमिना होता है, जो 20-30% पाया जाता है। लाइम होता है, जो 4-5%, और आयरन ऑक्साइड 5-6%। एक और होता है मैग्नीशिया, जो कि 1% पाया जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो देखते हैं इस कंपोजिशन का क्या क्या होता है और एक्सेस होने पे वो क्या कर देता है। तो चलिए, पहला है आपका सिलिका। सिलिका क्या करता है? सिलिका प्रिवेंट करता है क्रैकिंग को और श्रिंकेज और वार्प होने से प्रिवेंट करता है। दूसरा पॉइंट है, इट गिव्स द यूनिफॉर्म शेप। ठीक है, अगर वार्प करने से प्रिवेंट कर रहा है तो वो क्या कर देता है? यूनिफॉर्म शेप को देता है। तीसरा पॉइंट है, इफ़ इन एक्सेस, अगर वो एक्सेस हो जाता है तो डिस्ट्रॉय द कोहेजन बिटवीन द पार्टिकल के बीच में कोहेजन डिस्ट्रॉय कर देता है, झड़ने लगता है टाइप का। तो दूसरा है एलुमिना। एलुमिना क्या करता है? एलुमिना गिव्स द प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ सो डैट इट कैन ईजिली मोल्ड एनी डिजाइन शेप। एलुमिना क्या करता है? एलुमिना प्लास्टिसिटी देता है ताकि वो कोई भी डिजाइन शेप में इसको मोल्ड कर सके, बना सके। तो दूसरा पॉइंट है, इफ़ इन एक्सेस, अगर अभी एक्सेस मात्रा में पाया जाता है तो इसके कारण क्या हो जाता है? श्रिंकेज हो जाएगा और बार्फ ड्यूरिंग ड्राइंग हो जाता है। जब सुखाते हैं ब्रिक को तो वो बार्फ कर जाएगा, ट्विस्ट कर जाएगा। तो तीसरा है लाइम। लाइम क्या है? लाइम ऑल्सो प्रिवेंट द श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ इन एक्सेस, अगर ये भी एक्सेस में हो जाता है तो वो क्या कर देगा? बर्निंग के दौरान वो मेल्ट कर देगा एंड लॉस कर देगा उसका शेप को। ठीक है, वो जैसा शेप है वो ऐसा नहीं रहने देगा। आयरन ऑक्साइड क्या करता है? इट गिव्स द रेडिश ब्राउन कलर। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। मैग्नीशिया भी क्या करता है? ये भी श्रिंकेज को रोकता है और ये येलोइश कलर देता है, येलो कलर टाइप का। ठीक है, तो चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग सैंड विथ द पावर्ड नेचुरल सॉइल टू इम्प्रूव द क्वालिटी इज नोन एज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्लेंडिंग। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम इज मिक्सड विथ ब्रिक अर्थ टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी देता है या इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी करता है, टू प्रिवेंट श्रिंकेज देता है और टू प्रिवेंट इम्परमेबिलिटी देता है। अभी बताए थे लाइम क्या क्या करता है। तो लाइम हमका श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन सेकेंड क्लास ब्रिक इन 24 आवर्स शुड बी लिमिटेड टू। ये आपको याद रखना चाहिए कि कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है 24 आवर में कौन सा ब्रिक। तो फर्स्ट ब्रिक है जो आपका 20% एब्जॉर्ब करेगा, सेकेंड ब्रिक है जो 22%, एंड थर्ड क्लास ब्रिक है जो 24-25%। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका सही सेकेंड क्लास ब्रिक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरग्राउंड कंटिन्यूअस किल्न। तो देखिए, कंटिन्यूअस किन क्या देता है? बुल ट्रेंच किन, हॉफमैन किल एंड टनल किन। तो इसमें सब देता है, टोटल देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ब्रिक जो जला हुआ वो, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फायर क्ले मोर्टार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुल नोज ब्रिक आर नॉट यूज्ड इन। बुल नोक ब्रिक होता है वो कहाँ पे इसका यूज नहीं करते हैं। तो आपका इसमें बता देते हैं, ब्रिक में इसका यूज, बुल नोक ब्रिक का यूज नहीं करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेराकोटा इज यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, ये सब के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ रेन वाटर फॉल ऑन हॉट ब्रिक देयर शेप ऑफ द ब्रिक गेट डिफॉर्म द डिफेक्ट इज नोन एज। तो आपको बताते हैं कि जो जो हॉट ब्रिक होता है उस पर वाटर रेन आ जाता है जिसके कारण वो चफ फॉर्मेशन करता है, क्या करता है, चफ फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल्डेड ब्रिक आर ड्राइड बिफोर बर्निंग टू अप्रोक्सीमेट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चर द पग मिल इज यूज्ड इन टेम्परिंग, पग मिल किस में, टेम्परिंग में पग मिल का यूज करते हैं टेम्परिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलो ब्रिक, हॉलो ब्रिक क्या करता है, हॉलो ब्रिक वो होता है साउंड प्रूफ होता है एंड हीट प्रूफ भी होता है एंड लगभग 1/3 ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक उसका वेट होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बर्न क्ले ब्रिक एज IS 1077/1992, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 35 to 350 kg/cm². तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए गुड क्वालिटी ब्रिक इट इज एसेंशियल टू। तो देखिए पहला क्या है, यूज ए रिवर बैटरी किल्न, दूसरा है ब्लेंड द सॉइल विथ क्ले और सैंड एज डीम्ड अप्रोप्रिएट, तीसरा है नीड द सॉइल इन ए घनी एंड चौथा है टेम्पर द सॉइल इन ए पग मिल। तो ये सही है, अभी बताया था टेम्पर क्या, इसमें क्या जाता है पग मिल में। तो चलते हैं, तो इसमें इसमें आपका साइंस हो जाएगा 2 नंबर और 4 नंबर, तो आपका साइंस रहेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉ ब्रिक श्रिंक ड्यूरिंग ड्राइंग एंड वार्प ड्यूरिंग बर्निंग बिकॉज ऑफ, अभी सेम क्वेश्चन पॉइंट के रूप में बताए थे, चलिए अभी बताए थे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ लाइम एलुमिना, सॉरी एलुमिना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है जिसके कारण ड्राइंग के दौरान वो श्रिंक कर जाता है और बर्निंग के दौरान वार्प कर जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्निश इज डिफाइंड एज, कॉर्निश, कॉर्निश किसको कहते हैं, तो इसमें देखिए, ए हॉरिजॉन्टल कोर्स ऑफ मेसोनरी प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फेस टू ऑफ द वॉल, दूसरा है हॉरिजॉन्टली मोल्डेड प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ बिल्डिंग, सी ऑप्शन है कवरिंग प्लेस ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल या ट्रायंगुलर शेप पोर्शन ऑफ मेसोनरी एट द एंड ऑफ द स्लोप रूफ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोपिंग, कोपिंग इज डिफाइंड एज द, कोपिंग किसको बोलते हैं, चलिए बताइए कोपिंग किसको बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कोर्स एट द मेसनरी प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द फेस ऑफ द वॉल, अभी नहीं इसको नहीं बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मॉडलिंग प्रोजेक्शन प्रोवाइडेड नियर द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इसको भी नहीं बोलते हैं। तीसरा है कवरिंग प्लेस द एक्सपोज टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल, तो आपका ए सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो देखिए हर्टिंग क्या बोलते हैं, हर्टिंग इज द पोर्शन ऑफ, देखिए हर्टिंग होता है जो फेसिंग और बैकिंग के बीच का वॉल होता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेचिंग बोन, स्ट्रेचिंग वो ऑल द ब्रिक आर लेड एज हेडर, ऑल द ब्रिक आर लेड एज स्ट्रेचर, द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक सिमिलर टू इंग्लिश बोन, तो स्ट्रेचर बोन तो स्ट्रेचर ही करेंगे, ठीक है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रैंकिंग बोन्ड, ठीक है रैंकिंग बोन्ड, चलिए रैंकिंग बोन्ड किसको कहते हैं, ऑल द ब्रिक आर लेड आर हेडर, ये तो नहीं बोलते इसको हेडर बोन बोलते हैं। दूसरा है ऑल द ब्रिक आर लेड इन स्ट्रेचर, इसको स्ट्रेचर बॉन्ड बोलते हैं। सी ऑप्शन द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक सिमिलर टू इंग्लिश बॉन्ड, नहीं उसको बोलते हैं। और डी ऑप्शन है द बॉन्डिंग बिटवीन द लेड एट एनी एंगल और अदर देन 0 या 90 डिग्री,
यस सही है, आपका सही है, ठीक है, डी नंबर सही है। क्वेश्चन बन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिक मेजनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज जनरली कैप्ट, द फ्रॉग होता है वो कहाँ पे होता है? तो देखिए यह आप एग्जाम में पूछा गया है पंजाब जेई 2014 में PhD में, ठीक है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो सही में तो फ्रॉग कहाँ पे पाया जाता है? फ्रॉग पाया जाता है टॉप फेस, किस में पाया जाता है? टॉप फेस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ए ब्रिक शुड बी, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पंजाब जेई में DMRC में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपका सही आंसर है 3.2, इसका वेट होता है 3 to 3.5 kg, ठीक है, याद रखिएगा 3 to 3.5 kg होता है वेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ वाल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज, तो वो तो फ्लेमिश बॉन्ड जब यूज करते हैं तो आपका 1.5 ब्रिक थिक हो जाता है, ठीक, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है RPSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अर्थवर्क, तो सीक्वेंस इसका बताइए, सबसे पहले कौन कौन करते हैं? तो आपका है पहला है ब्लेडिंग नहीं करते हैं सबसे पहले आपको 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 पॉइंट बता देते हैं, आपका पॉइंट है सबसे पहले अनस्वाइलिंग करते हैं, क्या करते हैं? अनस्वाइलिंग, दूसरा डिगिंग करते हैं, तीसरा वेदनिंग करते हैं और चौथा ब्लेडिंग और पाँचवा टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार आप आंसर देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक टाइल्स, ठीक है, नॉमिनल साइज पूछ रहा है, नॉमिनल साइज 20 × 10 × 10 होता है, स्टैंडर्ड साइज हो गया स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज होता है 99 × 9, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले 2017 का क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक, ब्रोकन ब्रिक का यूनिट वेट कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1420 kg/m³। ये भी PEB सुपर सब इंजीनियरिंग में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का कितना होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? तो आपका 10.5 होता है, 10.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको बता दे रहे हैं इसमें जो क्लास ए का ब्रिक होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का वो 20% होता है ड्राई वेट का, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन अभी बताए थे 22 होता है सेकंड क्लास का, 24 से 25 होता है ड्राई का थर्ड का, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देख लीजिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 10% होता है क्लास ए का 7.5 मेगा पास्कल, सेकंड क्लास का 5.5 मेगा पास्कल, थर्ड क्लास का होता है। तो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, अगर पूछा जाए कितना से लेस नहीं हो सकता है, तो आपका 3.5 N/mm² से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 10.5, 10 होता है मैक्सिमम फर्स्ट क्लास का। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफैक्ट्री ब्रिक रेसिस्ट क्या रेसिस्ट करता है? तो आपका है हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट करता है, ए स्ट्रेचर बॉन्ड इज यूजुअली यूज्ड फॉर, स्ट्रेचर बॉन्ड किसके लिए यूज करते हैं? तो वो है 1.5 ब्रिक थिक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ए ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ लॉन्गिट्यूडनल वन पार्ट इज क्वीन क्लोजर, किसको क्या बोलते हैं? क्वीन क्लोजर बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कटता है तो क्वीन क्लोजर उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट द पोर्शन ऑफ, जब विड्थ के नॉर्म काटते हैं तो क्या हो जाता है बैट उसको बोलते हैं, तो ब्रिक कट अक्रॉस द विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फॉग मीन्स, फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब तो ये होता है डिप्रेशन, क्या होता है? ए डिप्रेशन ऑन द फेस ऑफ ब्रिक वर्क, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है LMRC में और AEC और सब इंजीनियर में भी पूछा गया 2017 में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन एक बार लाइक जरूर किया करें वीडियो को,
और शेयर भी जरूर किया करें पसंद पड़ रहा है। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रिक लेड विथ विथ पैरलर टू द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ द वॉल। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है, ब्रिक लेड विथ विथ विड्थ विड्थ के अलॉन्ग पैरलर में जो कर जो फ्रंट डायरेक्शन में वॉल के फ्रंट डायरेक्शन में जो होता है उसको क्या कौन सा बोलते हैं, उसको हेडर बोलते हैं। ठीक, विड्थ होता है अंदर की ओर, इसको इसको हेडर बोलते हैं, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, पैरलर रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ब्रिक विल बी रिक्वायर वन क्यूबिक मीटर। तो बच्चा वाला सवाल पूछ दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 नंबर ऑफ ब्रिक। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसरो में पूछा गया है, एमपीएससी में और सब इंजीनियर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स एंड होल्डर। तो आपका है इंग्लिश बॉन्ड, उसको बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेट कोर्स, ऊपर हेडर हो गया तो नीचे स्ट्रेचर हो जाता है, तो आपका साइंस हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। तो चलिए, ये भी आप एग्जाम में पूछा गया है चंडीगढ़ एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इफोरेंस इज, ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ वाइट पैचेज ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनसोल्यूबल साल्ट इन द क्ले यूज द मेकिंग ब्रिक। आपका सही आंसर फर्स्ट वाला ही हो गया, सेकंड पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम ब्रिक क्या होता है। तो आपका सही होता है, जो ज़्यादा बर्न कर देते हैं उसके कारण जैम ब्रिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए बताइए, व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ क्ले एंड सिल्ट इन गुड ब्रिक अर्थ। चलिए बताइए, अभी बताए थे सिल्ट और क्ले का क्या होता है, कितना परसेंट होता है उसमें, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है आपका 50%। ठीक है, 50% इसका आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ ब्रिक मेजनरी बॉन्ड प्रोवाइडेड द हैवी लोड ऑन मेजनरी इज। हैवी लोड के लिए कौन सा बॉन्ड यूज करते हैं, तो वो आपका है इंग्लिश बॉन्ड, इसमें यूज करते हैं। ठीक है, हैवी बॉन्ड के लिए इंग्लिश बॉन्ड यूज करते हैं, जबकि एप्रियंस के लिए फ्लेमिश बॉन्ड यूज करते हैं। ठीक है, एप्रियंस में बहुत अच्छा होता है, ये डेढ़ ब्रिक थिक का होता है और ये एक ब्रिक थिक का होता है। ठीक है, एक ब्रिक थिक का काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अरे भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर किया करें। ठीक है, हाँ, वीडियो पर नए क्वेश्चन चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।